दाखल केले. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापूर्वी त्यांनी रोड शो करून जोरदार शक्ती प्रदर्शन केले. यावेळी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा तसेच रॉबर्ट वाड्रा उपस्थित होते. उत्तर प्रदेशातील अमेठीतून काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. उमेदवारी अर्ज भरण्यापूर्वी जोरदार रोड शो त्यांनी केला. यावेळी त्यांच्या समवेत आई सोनिया गांधी, बहीण प्रियंका गांधी आणि रॉबर्ट वाड्रा होते. हे और इससे पहले वो अमेठी में रोड शो कर रहे हैं और इस रोड शो के जरिए जाहिर तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष की जन समर्थन जुटाने की कोशिश. इस बार कांग्रेस अध्यक्ष दो सीट अमेठी से जिलाधिकारी कार्यालय फुलाते सुशोभित करण्यात आले होते. राहुल गांधी यांनी तिथे आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. या निवडणुकीत ते दोन ठिकाणाहून निवडणूक लढवत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी केरळच्या वायनाड येथून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. राफेल करारातील पुराव्याच्या कागदपत्रांना केंद्र सरकारने घेतलेले आक्षेप सुप्रीम कोर्टाने फेटाळले. यावर राहुल गांधी यांनी यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना घेरले. कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी का एक इंटरव्यू आया था और उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा, पहली बार उन्होंने पत्रकार से मतलब वो उनका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है वो किया और पत्रकार से उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे सफाई दी है, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दी है, वगैरह वगैरह ने मुझे क्लीन चिट दी है. आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई है. सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि राफेल मामले में कोई ना कोई करप्शन, कोई ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है. या प्रकरणात आणखी आक्रमक होत राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींना खुल्या चर्चेचे आव्हानही दिले. मैं हर रोज चैलेंज कर रहा हूं और मैं फिर से चैलेंज करता हूं, नरेंद्र मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट ने आपके बारे में कहा है कि आपने भ्रष्टाचार किया है, आपने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिए. आइए आइए मेरे सामने आइए, मिलकर हम भ्रष्टाचार पे देश के सामने डिस्कशन करें. नरेंद्र मोदी जी मेरे साथ आइए, प्यार से डिबेट करते हैं. देश राफेल मामले के बारे में जानना चाहता है, भ्रष्टाचार के बारे में जानना चाहता है, नोटबंदी के बारे में जानना चाहता है, अमित शाह के पुत्र के बारे में जानता है. 2 मिनट आ जाइए, 15 मिनट बात कर लीजिए हमारे साथ. कहाँ 2014 निवडणुकीत राहुल गांधी यांनी भाजपाच्या स्मृती